तो दोस्तों फाइनली वो चीज आ चुकी है जिसका हमें काफी टाइम से इंतजार था, वो है आपका इंस्टाग्राम और मैसेंजर अब मर्ज हो गया है, तो इसका जो फायदा है काफी यहाँ पर रहने वाला है। बात तो हालांकि इंस्टाग्राम और मैसेंजर और व्हाट्सएप तीनों को मर्ज करने की चली थी, अब मर्जिंग से होता क्या कि आप व्हाट्सएप या फिर अपना जो इंस्टाग्राम है उसके मैसेजिंग आप मैसेंजर से कर पाते या फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू ही इन दोनों प्लेटफॉर्म पर मैसेज कर पाते, लेकिन अब यू हुआ क्या है कि इंस्टाग्राम और मैसेंजर को मर्ज कर दिया है। कैसे मर्ज करना है आज की इस वीडियो में देखेंगे, कैसे ये चीज काम करती है इस चीज को देखेंगे, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं आज की वीडियो में यही जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में वीडियो कर दिए लाइक और चलते अपने वीडियो देख लेते हैं क्या कुछ हमें नया देखने के मिलेगा अब से इंस्टाग्राम और मैसेंजर। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं अब कैसे आपका जो कनेक्ट होने वाला है मैसेंजर और इंस्टाग्राम। इससे पहले जो न्यूज़ निकल के आई थी वहाँ पर बात चल रही थी व्हाट्सएप को भी कनेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मैसेंजर अपडेट कर लेना है, उसके बाद कुछ रंग बिरंगा आपको दिखने लगेगा अपना मैसेंजर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको कहीं सेटिंग नहीं मिलेगी, जैसे ही आप अपना ओपन करेंगे भी धीरे 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 रोल आउट होना शुरू हुआ ये फीचर। आपने जैसे ही अपना इंस्टाग्राम या फिर मैसेंजर ओपन करेंगे तो आपको ऐसी कुछ स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी जहाँ दिखाया गया होगा आपको इंट्रोड्यूसिंग क्रॉस ऐप मैसेजिंग, यानी कि मतलब इससे आप इसको मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम को और इंस्टाग्राम से आप मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं। ये आपको जो मैसेंजर पर स्क्रीन दिखेगी, अगर वहीं आप अगर इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको दिखेगा इस टाइप का कुछ लिखा हुआ इंट्रोड्यूसिंग क्रॉसिंग ऐप मैसेजिंग, ये भी वही सेम चीज़ रहने वाली है। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, जैसे आप आगे क्लिक करते हैं तो मैंने उस टाइम स्क्रीनशॉट ले लिए थे आपको बताने के लिए, वहाँ पे आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू अपडेट क्लिक कर देना है और आपके जो ये मैसेंजर और इंस्टाग्राम मर्ज हो जाएंगे। अब ये काम कैसे करते हैं थोड़ा इस बारे में देख लेते हैं। तो ये इधर विकास का फ़ोन है और इसको चलिए बैक चलते हैं, और विकास ने जो अपना इंस्टाग्राम ओपन किया हुआ है यहाँ पर, और अब मैं जो करने वाला हूँ वो मैसेंजर करने वाला हूँ ओपन, और मैसेंजर से आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करके दिखाऊंगा या फिर आप मैसेंजर इंस्टाग्राम से मैसेंजर पर अपना मैसेज कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं मैसेंजर पर और यहाँ चलते हैं सर्चिंग लिस्ट में, और यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा अपने आपके यहाँ पर जो ऐड होना चाहिए। तो अगर मैं विकास को यहाँ पर मैसेज करूँगा तो यहाँ पर विकास का जो यूज़र नेम गी के विकास, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा इंस्टाग्राम आपको दिख जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ, यानी कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल। और यहाँ पर मैं अगर चैनल सर्च करता हूँ तो चैनल को एक बार देख लेते हैं VGM टैग, और लोड होने देते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VGM टैग आपको दिख जाएगा और फॉलोविंग ऑन इंस्टाग्राम, यानी कि मैंने इसको फॉलो किया हुआ है इंस्टाग्राम पर, और यहाँ पर मेरा ये चैनल। तो यहाँ पर अभी चैनल को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू प्रोफाइल पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं व्यू प्रोफाइल पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर फेसबुक पे नहीं जाऊँगा, इंस्टाग्राम पे आ जाऊँगा। तो इंस्टाग्राम पे ये प्रोफाइल देख सकता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर वापस चलते हैं बैक, और यहाँ पर मैसेज करते हैं अब एक हाय का, और देखते हैं कि यहाँ पर वो मैसेज आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने मैसेज कर दिया है, और अब देख सकते हैं आप यहाँ पर जो मैसेज है वो आ चुका है, ER गोरपिपलानी वांट टू सेंड यू ए मैसेज। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आ गई है, मेरी होगी रिक्वेस्ट, और इसको देख लेते हैं सी ऑल रिक्वेस्ट, क्योंकि आप मैं इसके लिए ऐड नहीं हूँ। तो वो देख सकते हैं आप मेरा जो मैसेज है यहाँ पर आ गया, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको भेज देते हैं प्राइमरी में। और यहाँ पर अगर मैं प्रोफाइल देखना चाहूँ तो प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर फेसबुक के प्रोफाइल यहाँ पर शो होगी, ना कि मैसेंजर के शो होगी, क्योंकि इन दोनों को क्रॉस करा दिया गया है इस टाइम यहाँ पर। तो मैं यहाँ मैसेंजर और यहाँ मैं आपका इंस्टाग्राम, तो अगर मैं इंस्टाग्राम से मैसेज करता हूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं टाइपिंग स्टार्ट हुई और हेलो आ गया। तो यहाँ मैंने इंस्टाग्राम से मैसेंजर पर मैसेज किया है, तो काफ़ी अच्छा ये फीचर लगा है। और भी यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे आप चैट वगैरह इसमें एडिट कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ थीम वगैरह इन्होंने दी थी जो कि आपके पेज में तो यहाँ पे काम नहीं करेंगी, लेकिन अगर मैं चैनल आपको स्विच करके दिखाऊं, और यहाँ पर चलते हैं एक बार गी के विकास और विकास को मैसेज करते हैं, तो यहाँ पर विकास की प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पर विकास को मैसेज करते हैं हाय का। तो यहाँ पर मैंने विकास को मैसेज कर दिया है, और देख सकते हैं आप यहाँ पर मेरा जो मैसेज है वो आ गया है हेलो। और उसके बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम पे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है मुझे यहाँ पर लगी है, व्यू प्रोफाइल भी देख सकते हैं, काफ़ी मज़ेदार यहाँ पर ये चीज़ रही है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट खोल लिया है, तो वापस से मैं बैक चलता हूँ। यहाँ मेरा जो ये मैसेंजर वाला अकाउंट है, यहाँ जो है ये इंस्टाग्राम वाला अकाउंट है। तो यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर दी हुई है थीम्स, तो थीम्स काफ़ी अच्छी हैं। अभी क्रॉस एप्लीकेशन पर ये काम नहीं करनी है, लेकिन आप थीम यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहले 3-4 थीम थी, अब यहाँ पर काफ़ी सारी थीम दे दी। ये थीम्स पहले आपको मैसेंजर में देखने के लिए मिलती थी, वहीं क्रॉस एप्लीकेशन में काम नहीं करेंगी। लेकिन आप किसी से पर्टिकुलर चैटिंग कर रहे हैं, आपने मैसेंजर टू मैसेंजर या इंस्टाग्राम टू इंस्टाग्राम, तो वहाँ पर आप ये थीम अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी एक अच्छी लुक यहाँ पर देती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, और भी थीम्स यहाँ पर दी हुई हैं, हैलोवीन की, डाई डाई और कलर वगैरह, ये सब चीज़ें।
तो अगर आप बोर हो गए एक ही चीज़ को चला चला कर, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी जो आपका एक्सपीरियंस है वो अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर आपके मैसेज वगैरह आपके कलर बदल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर लगी है मुझे। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था, एक छोटा सा अपडेट जहाँ मैंने आपको दिखा दिया कैसे आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी यहाँ पर ये चीज़ करी है इन्होंने। अब क्या है कि मैं अपने मैसेंजर से ही इंस्टाग्राम पे जो मेरे लोग हैं या मतलब जो पर्सन है जिनसे मैं चैटिंग करना चाहता हूँ उनसे चैटिंग कर सकता हूँ। मुझे वापस से एप्लीकेशन स्विच करने की जरूरत नहीं है। काफ़ी फायदा यहाँ पर रहने वाला, चैटिंग एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है और काफ़ी सारी चीट चैट की जो थीम वगैरह कलर वगैरह वो दे दिए हैं। इनसे होता क्या है कि एक यूजर एक्सपीरियंस बना रहता है अच्छा, मतलब यूजर इंटरफेस अच्छा बना रहता है। तो होता है कि हम एक ही चीज़ को चला चला कर बोर रहते हैं वो नहीं होते हैं और हमें कुछ नया देखने के धीरे धीरे मिलता रहता है। तो आज की वीडियो में इसने, अब आप कुछ पूछना चाहते हैं वीडियो से लेकर या फिर इंस्टाग्राम को लेकर या मैसेज को लेकर, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों में जिनको अभी तक नहीं पता है कि दोनों मर्ज हो चुके हैं और उन दोनों की जो चैटिंग आप एक किसी एक के थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेट चीजें हमेशा ही देखने के लिए मिलती रहती है। मैं मिलता हूँ आने वाली एक और नई अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।